अपनी मनमानी और दबंगाई के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक और शराब कारोबारी एक बार फिर चर्चा में है। ताजा मामला उनके बेटे विभूति नयन मिश्रा की कंपनी से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि डेखा के गोधा बाया सिरमौर होकर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसका ठेका गुजरात की कंपनी को मिला है, लेकिन गुजरात की कंपनी उक्त सड़क निर्माण का कार्य रीवा के कांग्रेस नेता की कंपनी को दे रखा है। कांग्रेस नेता के बेटे की कंपनी से जो है उक्त मार्ग में जगह जगह पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस तरह चौरहटा थाने के बिड़वा में भी पुल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर करीब 20 फीट गहराई खाई खोदकर जो है रोड को डायवर्ट किया गया है, लेकिन रोड डायवर्ट होने से संबंधित कोई सांकेतिक चिन्ह वहां पर नहीं बनाए गए हैं, ना ही वहां पर कोई बैरिकेड लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कल रात बाइक सवार युवक निर्माणधीन पुल की गहरी खाई में जा गिरा, जिससे युवक की मौत हो गई। इस तरह कांग्रेस नेता के बेटे की कंपनी की लापरवाही ने युवक की जान ले ली, इसके बावजूद भी शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो रीवा से आ रहे थे और यहाँ पे रास्ते में मिट्टी कम थी कल, उनको जानकारी नहीं थी या वो डिवाइडर है, रात में देख नहीं पाए तो आ किसी में गिर गए आके जी। ये 8:30 बजे उनसे फोन में बात हुई है। नहीं, नशा तो नहीं करते थे। रफ्तार अब गाड़ी तेज रही होगी। दोस्त यही है सर, डिवाइडर सही ढंग से नहीं लगाए हुए हैं। यहाँ पे नाइट पे आने वाले किसी भी आदमी को ये समझ में नहीं आता कि सामने पे क्या हुआ है। वहाँ पे समझ में नहीं आता, गड्ढा खुदा है पर दिखता कुछ नहीं है सामने से। मैं एक दो बार खुद बच चुका हूँ इससे, और इस हालत से मैं खुद गुजर चुका हूँ। मुझे बहुत बचा हूँ, मैंने तो 4-व्हीलर लेके आ रहा था, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ डिवाइडर लगा जिससे रिफ्लेक्शन पड़े सामने की रात में आने वाले किसी भी समस्या को, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कहीं भी। अभी आज होने कल ये घटना के बाद आज मिट्टी डाली गई है, मिट्टी हर जगह ये मिट्टी अभी डाली गई है। मैंने सुबह कुछ नहीं था, एकदम खाली था, ऐसी जगह होनी चाहिए सामने, एकदम रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कुछ बने ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अपराधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा से सिमरिया रोड में, रीवा से शहर से तकरीबन सिमरिया की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है, इसी बीच में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। बीड़ा सिमरिया रोड में सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि 100 मीटर की दूरी पर पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। अब मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि गुजरात की कंपनी ठेका लेती है, फिर उसके बाद रीवा के कुछ सफ़ेद पोश नेता उनसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, फिर तीसरी बात वो इतने पेटी कॉन्ट्रैक्टर रीवा के ठेकेदार पैदा कर देते हैं कि जो कि एक एक पुल पूरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर को वितरित कर देते हैं। खोदी गई है जो कि निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद मोटरसाइकिल रीवा तरफ से आ रही थी, कम से कम 10 मीटर दूर मोटरसाइकिल पड़ी है, बगल में खून पड़ा हुआ है। आप ये तस्वीर मौके पर देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग MKN दिखा रहा है। ये एक घटना नहीं है, रीवा में ऐसी लगातार घटनाएं हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही हो, प्रशासन की लापरवाही हो, लगातार लापरवाहियों का शिकार आम जनता नागरिक हो रहा है। MKN न्यूज के साथ संवाददाता प्रद्युम्न शुक्ला, रीवा।